तो है दिन क्या, तो इस वक्त रात का टाइम है, हम रात की रूटीन आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ में हम बना रहे हैं रोटियाँ और ये गोश्त भी चिकन भी देखें। इसमें आपने क्या क्या डाला है? इसमें हमने डाला है वो बिहारी कबाब मसाला और लहसुन अदरक दही। मैं आपको बताती हूँ, इसको पहले चिकन को आपने अच्छी तरह मम्मा ने वॉश कर लिया था, उसके बाद इसमें दही डाला है, फिर दही के बाद बिहारी कबाब ये वाला, ठीक है। आप चाहें तो सीखों पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम इनका सालन बना रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमने ये डाल दिया, ठीक है। आप चाहें तो कम रखें, हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि थोड़ा फीका फीका नहीं अच्छा लगता, ठीक है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ठीक है। उसके अलावा और कोई मसाला नहीं, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं लाल मिर्ची, लेकिन हमारे लिए ये पूरा है तो इसलिए हमने और मसाले नहीं ऐड किए। और क्या है, और ये और एक प्याज ब्राउन करके वो डाले, बिल्कुल। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन हमने थोड़े ज़्यादा लिए हैं, प्याज इसमें अच्छे लगते हैं, हमने प्याज ब्राउन करके अलग से इसमें डाल दिया। और इसको अभी कितने, डेढ़ घंटा होने वाला है, एक घंटा होने वाला है। इसे आप बेशक दो तीन घंटे भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें, लेकिन अगर जल्दी बनाना हो तो जल्दी भी बना सकते हैं। जी, रोटियाँ भी बना रहे हैं, कुछ रोटियाँ हमारी बन चुकी हैं और कुछ बन रही हैं, और लाइट चली गई है, हमारी लाइट आएगी अब 9:30 बजे, और मम्मा यहाँ पे रोटियाँ बना रही है, कुछ रोटियाँ बन चुकी हैं, कुछ बना रहे हैं जी, और उसके बाद हम बनाएंगे सालन। बिल्कुल, सालन की आगे क्या होगा क्या नहीं वो आपसे इंशाल्लाह आगे शेयर करेंगे। फिर आप हमारे साथ रहें। पहले इसलिए बना ली क्योंकि सालन है वो जल्दी बन जाएगा, मेरी नहीं 2 आवर दही के साथ, और रोटियां फिर बनाने में क्योंकि भूख लगती है बहुत सारी, जब खाना रोटी खाते हैं सालन बन जाता है तो फौरन रोटी रोटी करते हैं, तो फिर इसलिए रोटी पहले बना लेते हैं हम लोग, तो ये जो है सालन तो वैसे भी चटपट बन जाता है। तो रोटियाँ हमारी कम्प्लीट हो गई, अभी तैयार करेंगे सालन, रोटी हो गई हमारी तैयार, तो अब बनाते हैं सालन, तो आपसे शेयर करते हैं रोटी तो आगे। चलो रोटियां कंप्लीट हो गई, चलें तो यहाँ पे हम अपने सालन की बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑयल जिसमें प्याज ब्राउन किया था और इसमें डाला था, उसी ऑयल में हम इसको इंशाल्लाह बना के मिक्स करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी काफ़ी हो चुका है, और इसके अंदर हमने 1 चम्मच ऑयल भी डाला था, ऑयल भी डालना है, ऑयल भी डालते हैं, ये चमचा मैं वॉश कर लूँ। चिकन कितना? ये चिकन, चिकन में हमारे पास है मेरे हाथ में 2 किलो, 2 ले, हाँ 2 है। दही में मैरिनेट होता है तभी काफी गल जाता है, उसके अंदर जो मसाले होते हैं ना वो अंदर ऐसा मसाला डाला होता है कि वो मतलब गला देता है जी। अब उसमें थोड़ा पानी डाल के वो भी डाल दो, थोड़ा सा पानी रखना, बिल्कुल थोड़ा। और आग थोड़ी तेज कर देंगे, चलो क्योंकि अभी इसको फ्राई करना है अच्छी तरह, इसकी कच्चापन दूर हो और उसकी स्मेल चिकन की खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। अभी जब पानी सूख जाएगा ना जिसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल अभी पानी सूख जाएगा थोड़ी देर, फ्राई करते करते माशाल्लाह ये गल जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा सालन हो चुका है रेडी, अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं कोयले का दम।
कोयले का दम बहुत ही आसान होता है। आपने कोई भी कोयले का एक छोटा सा हिस्सा ले लेना है और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, और उस गर्म गर्म कोयले पे आपने 2 से 3 ऑयल के ड्रॉप डाल देने हैं और फिर 5 मिनट का दम लगा देना है। फ्रेंड्स, मेरे पीछे से आ रही हो कि आपको न्यूज़ की बहुत ही लाउड आवाज़, तो उसके लिए सॉरी। सालन हो गया हमारा तैयार, इसमें हमने उसका कोयले का धुआं भी दिया ताकि अच्छा सा सहका है। चलो आप डिश आउट कर लो, करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर पता है। तो खाना हो गया हमारा तैयार, रोटी भी बना ली हमने और सालन भी तैयार हो गया। तो आप हमें दें इजाज़त और अपना और अपने पैरों का रखें ख्याल। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए काम के साथ। उस वक्त तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।